हेलो प्यारे साथियों, आपका बायोलॉजी मुकेश क्लासेस में स्वागत है। आज आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि बायोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में किस वैज्ञानिक ने इस टर्म को दिया था और कौन इसके फादर हैं और इसकी कितनी ब्रांच हैं, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो आपको जो है ले चलते हैं, आप यहाँ पे जो भी मैं कोर्स कंप्लीट कराऊंगा आपको, वो NCERT के लेवल से होगा, वो फर्स्ट ईयर इंटर दोनों, जो कि नीट के लिए, PGT के लिए और TGT के लिए खासकर जो है, आपको यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और यहाँ मैं सीरीज वाइज वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए। तो यहाँ पे जो है बायोलॉजी टर्म, हम याद देखते हैं कि जो बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी बायोलॉजी जो टर्म है इसको किसने दिया था। तो जो बायोलॉजी टर्म है इसको देने वाले दो वैज्ञानिक हैं, आपके सामने जो है इनका डायग्राम आ रहा होगा। जो पहले वैज्ञानिक हैं उनका नाम है लेमार्क, पहले वैज्ञानिक हैं उनका नाम है लेमार्क, और दूसरे जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है ट्रेबिरेनस, उनका नाम है ट्रेबिरेनस। तो ये दो वैज्ञानिक हैं जो कि बायोलॉजी टर्म को दिए थे। जो बायोलॉजी टर्म है ये ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ है, कौन सी लैंग्वेज से, ग्रीक लैंग्वेज से आया है। तो ये बायोलॉजी जो टर्म है ये ग्रीक लैंग्वेज से आया है, और इस बायोलॉजी टर्म को जो लेमार्क और ट्रेबिरेनस ने दिया है, जो ये बायोलॉजी टर्म है इसके भी दो मीन्स हैं। तो बायोलॉजी टर्म के दो मीन्स होते हैं। तो बायोलॉजी में जो यदि शब्द को हम तोड़ेंगे तो यहाँ देखेंगे बायो लिखा हुआ है और दूसरा लिखा है लोगस। इस शब्द का मतलब होता है बायो प्लस लोगस। तो यहाँ पे जो बायो लिखा है, इस बायो का मतलब होता है लिविंग, बायो का मतलब होता है लिविंग, और लोगस का मतलब होता है टू STD, लोगस का मतलब होता है टू STD। तो यहाँ पे जो लिविंग लिखा है, तो लिविंग का मतलब यहाँ पे आता है स्पष्ट कि जीवित, और टू STD का मतलब होता है अध्ययन। तो यदि हम जीवित जीवों या जीवित पौधों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उस ब्रांच को हम बायोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे जो बायोलॉजी टर्म था इसका मीन्स यही था कि जीवित, वो जो ही पौधे हों या जंतु हों, उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवित जीवों या जीवित वनस्पतियों या जीवित पौधों के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। आप देखते हैं इस बायोलॉजी शब्द जो है इसको दिया तो था लेमार्क और ट्रेबिरेनस ने, लेकिन अब इसके पिता कौन है या फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो अरस्तु को माना जाता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी में हम किसको मानेंगे, अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल जो है, आपके सामने चित्र आ रहा होगा अरस्तु जी का, तो यहाँ पे फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो अरस्तु है। अब इस बायोलॉजी जो है, इस बायोलॉजी की भी दो ब्रांच होती हैं, एक होती है जूलॉजी और एक होती है बॉटनी, एक होती है जूलॉजी और दूसरी होती है बॉटनी। तो यहाँ पे जो जू का मतलब है जंतु, यानी प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान। तो यहाँ पे जो जंतु विज्ञान है, तो इस जंतु विज्ञान के भी पिता अरस्तु जी हैं। कौन है, अरस्तु जी। जीव विज्ञान के भी पिता कौन है, अरस्तु जी, जिन्हें हम अरिस्टोटल कहते हैं। तो यहाँ पे जो बॉटनी है, बॉटनी के पिता जो हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं। बॉटनी के पिता कौन है, थियोफ्रेस्टस हैं। तो बॉटनी के जो पिता हैं वो हैं फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। अब इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी क्यों कहते हैं, क्योंकि अरिस्टोटल जी ने यहाँ पे लगभग में 500 जीवों के ऊपर अध्ययन किया था, और हैं जो होता है उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में स्टडी की थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। जबकि जो थियोफ्रेस्टस हैं, इन्होंने लगभग में 500 के आसपास में प्लांट की जो जितनी भी स्पीसीज होती हैं, प्लांट के जितने भी वर्ग होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। अब इनकी जो पुस्तकें हैं उनके बारे में हम देखते हैं, तो जो अरिस्टोटल जी की पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है
उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ, उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया, हिस्टोरिया ऑफ एनामिलिया, हिस्टोरिया ऑफ एनामिलिया, हिस्टोरिया ऑफ एनामिलिया। तो यहाँ पे जो उनकी पुस्तक है अरिस्टोटल जी की, उसका नाम है हिस्टोरिया ऑफ एनामिलिया, जबकि थियोफ्रेस्टस की बुक का नाम है हिस्टोरिया, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। तो इस प्रकार से यहाँ पे जितना भी हमने आपको बताया है, यहाँ से एक नंबर आपका एग्जाम में क्लियर हो जाता है। और बेसिक नॉलेज होनी भी चाहिए कि जीव विज्ञान क्या है, इसके पिता कौन है, कौन सी लैंग्वेज से वर्ड आया है और किसने दिया है, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं। तो ये वीडियो जो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करिए, और इस तरह से आपको कल जो है मैं और पर डे मेरी वीडियो यहाँ पे आती रहेंगी, तो आप मेरे वीडियो जो है वो देखते रहें। यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने ग्रुप में भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।